हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस हमारे वीडियो में। दोस्तों आज हम जीके की जो हमारी सीरीज थी उसका ये पार्ट 13 है, 13वां पार्ट है। आज हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जैसे कि एक आंसर के अंदर कितने और क्वेश्चन निकल सकते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा 3 to 6 तक ये कम्प्लीट हो गया था, आज हम लेंगे 3 to 7 से। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है। देखिए रैंडम जिसे बोलते हैं रैम, RAM, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है ROM के बारे में। ROM क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसे आप लिख लीजिए रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर के कुछ चीज़ें हैं जो आपसे अक्सर पूछी जाएंगी, जैसे कि रैम की फुल फॉर्म पूछ ली गई, रोम की फुल फॉर्म पूछ ली गई। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है FTP। FTP की मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब पूछा जा सकता है HTTP। HTTP के बहुत मतलब होता है हाइपर ट्रैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये कुछ आपकी फुल फॉर्म है जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अगला है कि रिएक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। जैसे कि भूकंप की तीव्रता जैसे क्या आता है, मान लीजिए 6.2 का आया या 7 का आया। अब एक बार जो हमारा आया था वो अभी गुजरात वाला जो था वो आया था 7 से ऊपर का था, जिसमें कि इतनी ज़्यादा जो है हमारा नुकसान हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि जब भूकंप आता है, यदि एक तरीके से 9, अगर 9 कभी 9 रिएक्टर का आ गया तो ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पूरी हिल जाती है उसके अंदर। मतलब एक तरीके से पूरी तबाही है जिसमें ज्वालामुखी भी फटते हैं और सुनामी भी आती है। तो ये रिएक्टर जो है वो है किस में नापा जाता है, वो भूकंप की तीव्रता में नापा जाता है, ठीक है। अगला है कि भूपटल की सब में सबसे अधिक कौन सी धातु है, यानी कि जो हमारी जैसे पृथ्वी है, जैसे कि मैं आपको ये बनाऊं, तो इसकी जो ऊपरी सतह है इस पर सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। इस चीज का अब आपको इसके साथ में और क्या करना है, एल्युमिनियम के आपको एस्क भी याद करने हैं कि एल्युमिनियम के कौन कौन से एस्क होते हैं, और इसमें जो मिश्र धातु होती हैं वो भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाएं, क्योंकि ज्यादातर मिश्र धातु के बारे में पूछा जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील के अंदर किस किस का मिश्रण होता है, इस तरीके भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। सांझ का तारा शुक्र है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, जैसे कि शुक्र को सांझ का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन, ठीक है। और सबसे चमकीला तारा है, तारा तो नहीं ग्रह है ये, क्योंकि सबसे चमकीला आसमान में आप देखेंगे शाम के समय पर, तो ये आपको लगभग 5 से 6 बजे के बीच में जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको ये सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देगा, वही शुक्र होगा, ठीक है। और हमारा ये सबसे गर्म ग्रह भी है, अगर पूछा जाए कि हमारे सोलर प्लेनेट का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। अगला है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए अगर ये हमारी धरती है तो इस पर कई लेयर हैं, वायुमंडल की लेयर है मतलब गैसों की लेयर है, तो ये हो गया ये हो गया, इस तरीके से लेयर चढ़ी हुई है। तो इस लेयर के बारे में सबसे नीचे वाली लेयर का पूछा गया है, उसका मतलब है क्षोभ मंडल, उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। अब देखिए जितनी भी मौसम की गतिविधि होती है, यानी कि बारिश होना आंधी आना, वो सब इसके बीच में इसके नीचे ही होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। इसके ऊपर क्या क्या होता है, हमारा मध्यमंडल होता है, आयन मंडल होता है जिसमें जिसमें कि हमारे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं, आयन मंडल होता है, और ओजोन परत होती है, जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से ओजोन की जो है ओजोन परत में छेद हो गए हैं, जिससे कि स्किन कैंसर भी हो जाता है, और बाहर मंडल होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो मौसम परिवर्तन ये सब चीजें होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो हवाई जहाज जो है वो हमेशा क्षोभ मंडल से ऊपर ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए जब भी जहाज उड़ाया जाता है तो क्षोभ मंडल की रेंज को पार कर दी जाती है उसमें, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी की 1 डिग्री घूमने पर, देखिए जिस तरीके से ये पृथ्वी है इस पर हम देशांतर, ये इस तरीके से लाइनें हमने काल्पनिक लाइनें खींच रखी हैं जो ये देशांतर है, तो इसके बीच का समय पूछा गया है कितना होता है, ये 4 मिनट होता है, ठीक है 4 मिनट। अगर दूरी पूछी जाए कि इन दोनों देशांतर के बीच की दूरी कितनी है, तो वो 111 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि किस वेग से हम किसी वस्तु को फेंकें कि जो है वो वस्तु जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको ये क्वेश्चन भी काफी बार साइंस में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये जिप्सम है, ये सीधा सीधा है, आपको इसके बारे में ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी तरीके से आपसे फिटकरी का सूत्र पूछा जा सकता है, जैसे फिटकरी का कई बार सूत्र पूछा गया है वो होता है K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो इसमें ये ज्यादातर पूछा जाता है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर के 24 मॉलिक्यूल होते हैं। अगला है कि मछलियां किस की सहायता से सांस लेती हैं। मछलियां देखिए लेती हैं अपने गलफड़ों की सहायता से। एक मछलियों पर आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, अगर ये पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीव कौन सा है, तो वो मछलियां ही हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा जीव कौन से हैं, वो मछलियां ही हैं। और मछलियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, देखिए मछली का एक मछली जहाँ पर पाई जाती है एक विशेष क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए एक समुद्र है जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आकर मिलती हैं, वहां पर मछलियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है कि मछली ज्यादातर कहाँ मिलेंगी आपको, समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पर गर्म धारा और ठंडी धारा आके मिलती है, तो यहाँ पर एक तरीके से फॉग क्रिएट हो जाता है और उस जगह पर मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अगला है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हरा पौधा बनाता है प्रकाश संश्लेषण से, है ना, और पौधा जो है क्या लेता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये पौधे के लिए इसलिए हमें जो है कम से कम एक पौधा जो है लगाना चाहिए, चाहे वो हम डिसाइड कर सकते हैं अपने बर्थडे वाले दिन बनाएं या फिर किसी भी दिन, मतलब आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि साल में एक पौधा जरूर लगाएं। ठीक है, अगला है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से देखिए ये अपकेंद्रीय बल है, कई इसमें होता है एक होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो दरवाजा है, दरवाजे ये मान लीजिए आपका दरवाजा है, तो ये जो कब्जा है जिससे कि हम खोलते हैं ये दूर से दूर लगाया जाता है, अगर ये पास लगा देंगे तो दरवाजा खोलने में ज्यादा समय ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो लगाते हैं हम अभिकेंद्रीय बल के कारण। और जो ये निकलता है दूसरे क्रीम किस प्रक्रिया से निकली जाती है, वो होता है अभिकेंद्रीय बल, मतलब वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है ये मुंबई में। देखिए ज़्यादातर बैंकों के मुख्यालय मुंबई में ही हैं, मगर सिर्फ आप PNB देखेंगे, PNB ये इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा सकता है PNB का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भी कहाँ है, भिकाजी कामा प्लेस है, भिकाजी कामा प्लेस पे जो है PNB का मुख्यालय है। ठीक है, RBI से रिलेटेड, RBI की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो एक्ट था वो 1935 के जो एक्ट था उसके तहत ही जो है एक फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये एक्ट भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और 49 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, 1949 के अंदर इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि RBI से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि किसे सीमांत गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी का मतलब देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये कहाँ के थे, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान का एरिया जो था ये वहाँ के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनका जो था एक समुदाय था जिसे कहते थे लाल कुर्ती। तो अगर इसके बारे में पूछा जाए ये किन इनके संस्थापक कौन थे, ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है हमारा, अगर हम वर्ल्ड का मैप अगर मैं इस तरीके से आपको बताऊं तो ये आपको इधर की तरफ मिलेगा, अगर आप यहाँ पर पूरे का मैप फैला दें, ग्रीनलैंड पे क्या है ज़्यादातर बर्फ़ ही जमी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पूरा आइस है, तो यहाँ पर वैसे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर जो प्रजाति है वो एस्किमो प्रजाति का नाम सुना होगा, जो बर्फ़ के घरों में रहती है और पूरा सब कुछ यहाँ पर बर्फ़ का होता है, यानी कि उनकी अलमारी बेड वगैरह सब बर्फ़ के होते हैं, मतलब एक साइंस की तरह ही है कि मगर उसका अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से गर्म होता है। ठीक है, अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिन्होंने दो टर्म गुजारे हैं राष्ट्रपति के, दो टर्म मतलब यानी कि 5-5 साल दो बार। ठीक है, और जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा के लिए जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुना गया था, और इन्होंने अब देखिए हुआ क्या था कि एक बिल लाने की कोशिश की गई थी जिसमें ये कहा गया था, क्योंकि ऐसा मानना था कि थर्ड टर्म के लिए भी तीसरी बार भी जो है नेहरू जी को ये लगा कि जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी ही चुने जाएंगे, तो एक बिल लेके आने की कोशिश की गई थी कि राष्ट्रपति जो है वो दो से ज़्यादा बार नहीं रह सकता, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बिल रहने दीजिए और मैं अब तीसरी बार जो है चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए हमारे यहाँ भारत के अंदर राष्ट्रपति के लिए कोई टेन्योर नहीं है कि मतलब वो कितने साल के बाद नहीं रह सकता, जैसे अमेरिका का है, अमेरिका में दो बार ही दो टेन्योर गुजार सकते हैं। ठीक है, मगर हमारे भारत में इस तरीके कोई टेन्योर नहीं है कि आप अभी तक रिटर्न में नहीं है कि आप दो गुजारें तीन या कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वोत्तम है, वो है कपास के लिए। ठीक है, कपास में ही जैसे आपने सुना होगा कि BT कॉटन, मतलब कि इसमें जो
हमारी जो मॉडिफाइड जेनरिक क्रॉप है उसी के अंदर एक आया था बीटी कॉटन, मतलब जेनेटिकली जीएम क्रॉप का नाम सुना होगा आपने, जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वो कपास में उसका प्रयोग किया गया था, उसी तरीके से हमारा बैगन में भी किया गया था, मगर इसका हमेशा से विरोध होता रहा है क्योंकि इससे जो है एक तो हमारी जो भूमि है जिसपे खेती की जाती है इसकी उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि जो इसे बैगन वगैरह जो खाएंगे उन पर भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए उसका काफ़ी विरोध किया जाता है, मगर उसके बाद भी इसमें काफ़ी चीज़ें सुधार किया जा रहा है। उसके बाद है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन जिसे कहते हैं अपने साथ ले गया था, वो था नादिरशाह। देखिए पानीपत के तीन युद्ध हुए, जो तीसरा वाला युद्ध था उसके उसमें जो उनका सेनापति था जो अफगानों की तरफ से वो नादिर शाह जो थे वो अपना ये कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन ये यहाँ से भारत से रुककर ले गए थे। उसके बाद जो है जो पंजाब के रणजीत सिंह थे वो वापस उनके पास वो हीरा आता है कोहिनूर हीरा और फिर उनके जरिए वही हीरा जो है वो चला जाता है इंग्लैंड। तो आज भी जो है उनके जो महारानी है इंग्लैंड की महारानी उनके जो क्राउन है क्राउन में हीरा जो लगा हुआ है वो कोहिनूर हीरा वो भारत का ही है। अगला है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वह है अरावली पर्वतमाला। अरावली के बारे में आपको एक बात बताता हूँ, जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान से चलकर दिल्ली तक आई है और दिल्ली में जो आई है वो आपने देखा होगा रायसीना हिल जिसपे कि राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो इलाका भी अरावली पर्वत श्रेणी की ही वो उसी की श्रृंखला का ही पार्ट है। तो और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका डिजाइन किसने बनाया था, वो था लुटियन है ना, तो लुटियन नाम का व्यक्ति था अंग्रेज जिसने कि ये पूरा इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया था जिसमें राष्ट्रपति भवन साउथ ब्लॉक ये सब चीज़ें थी। अगला है कि पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक लगभग कितना प्रतिशत पानी है, तो वो आंसर है 71% पानी, मगर ये देखिए पानी इस तरीके का नहीं है कि आप पी पाएं, ये 71% पानी है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मात्र 1-2% ही पानी ऐसा है जो पीने योग्य है, ये सारा खारा पानी है, इसे आप पीने योग्य बनाने में इतना खर्चा हो जाएगा कि मतलब इसे बनाना या इसे प्लांट लगाना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हमें सेव वाटर करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, जब जितना भी हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ठीक है, अगला है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, वह है हमारा बांग्लादेश। देखिए जैसे कि भारत का मैप मैं आपको छोटा सा रफ डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए, तो ये अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर तो इस जगह पर जो है वो बांग्लादेश है, इस साइड में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो इसके साथ में ही सबसे लंबी हमारी जो है बाउंड्री टच करती है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, ये 71 का जब वॉर हुआ था हमारा जिसमें इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी उस समय ये वॉर हुआ था और उस समय हमारे जनरल थे जनरल मानेकशॉ, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, उस समय हमारे आर्मी के जनरल कौन थे, जनरल मानेकशॉ। ठीक है, तो उस समय ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो है अमार सोनार वाला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था। ठीक है, अगला है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति के बारे में एक आपको रोचक तथ्य बताता हूँ कि बृहस्पति जो था उसमें एक ही पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर रेड स्पॉट पाया जाता है, एक बहुत बड़ा सा रेड स्पॉट है वो है बृहस्पति के ऊपर और बृहस्पति वो रेड स्पॉट इतना है कि अपना एक पृथ्वी पूरी उसके बराबर है, इतना बड़ा ग्रह और ग्रह में ये जो लाल धब्बा है ये जो है वो पृथ्वी के बराबर है और यहाँ पर भी एक तरीके से एक ये तूफान सा यहाँ पर है, इतने सालों से कई हजारों लाखों सालों से ये चलता जा रहा है क्योंकि ये गैसीय प्लैनेट है, ये एक टेरेस्ट्रियल नहीं है, इन पे धरती नहीं है, इस पे आप उतर नहीं सकते। तो जब भी हमारा कोई बृहस्पति पे हमारा जैसे कि जूनो मिशन ये सब जो गए थे तो उसकी परिक्रमा करने के लिए जैसे वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जब ये निकले थे हमारे सौरमंडल की यात्रा करने के लिए तो इन्होंने जो है इसके सिर्फ बाहरी ऊपर से ही जो है हम वो देखते हैं और इसके जो हमारे उपग्रह हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, तो ये है हमारा बृहस्पति। देखिए आज हमने इन सब क्वेश्चनों को डिस्कस किया, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं वीडियो बनाता रहूँ इस तरीके के तो आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे की भी वीडियो अच्छे से बनाता रहूँ। आपने ये वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो मतलब ये देख लीजिए आपके हर कॉम्पिटिशन में काम आएगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो और चाहे वो आपका SSC का हो, ये GK जहाँ पर भी आ रही है सब में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है एक क्वेश्चन से कई मतलब आंसर निकल सकते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने इस वीडियो को देखा आपका धन्यवाद, जय हिंद।